देसाई साहब का फिक्र है, आइए हम जानते हैं सर किस तरीके का प्रसाद मिल रहा है आपको इस चुनावी जंग में। काफ़ी अच्छा प्रतिशत मिल रहा है, दिन ब दिन लोग शामिल हो रहे हैं, लोग अपनी अपनी समस्या कहीं भी कई गाँव में भी हमारे विकास अघाड़ी के जो भाई कहा है उनके साथ में इंडिया अलायंस की भी सब पदाधिकारी कार्यकर्ता वगैरह जो हम निकलते हैं गाँव में जिन जिनको मिलते हैं गाँव में बाहर देश में लोग काफ़ी उनकी अपेक्षाएँ हैं, उनका अनुभव भी कह रहे हैं कि जो उम्मीदें लगाए बैठे थे जिसकी सिद्धांत नहीं हुआ और किसी का आरक्षित नाम का हल है, किसी के लिए नीति रोड की समस्या है, किसी के लिए यहाँ पे जिस तरह से नाम का सबसे बड़ा मसला है, कब हर एक बार हमको सिर्फ वादे किए गए, हमको कहा गया लेकिन इस पर कोई इलाज या इस पर कोई समाधान हमको नहीं मिला, तो उनको अब परिवर्तन चाहिए, ये लोगों की मांग है, लोग खुद ही स्वयं कह रहे हैं। तो हम आपके सामने उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार के नाम में हमारी निशानी मशाल है, ये लोगों में पहुंच भी चुका है और लोग उत्साहित हैं, वो देख रहे हैं कि कब 20 तारीख होती हम आपको वोटिंग करेंगे सामने। सर 2024 की चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, जहां स्वयं प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि 400 के पार थी, क्या देखते हैं आप किस तरीके से? महाराष्ट्र में तो परिवर्तन दिख रहा है, महाराष्ट्र के लोग जिस तरह से पूरी जगह पर सब ये चल रहा है उसमें परिवर्तन लोग चाहते हैं और परिवर्तन की एक लहर यहाँ पर दिख रही है। 2019 की बात करें तो कम से कम शिवसेना की 18 से 19 लोकसभा सीट पर जीत हुई थी, वही अगर 2024 की बात करें आज शिवसेना में दो भेद हो चुका है, तो क्या स्थिति रहेगी शिवसेना? शिवसेना में भेद जो हुआ है वो ओरिजिनल शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ है, बाला साहेब जी का आशीर्वाद उद्धव जी के साथ है और वो उद्धव शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी जिसकी निशानी मशाल है वही जीतेगी, वही देखोगे आप वही जीतेगी, वही लहराएगी पूरे महाराष्ट्र में। नहीं, आपके प्रतिद्वंदी से अगर बात हुई थी तो उन्होंने यह कहा कि ओरिजिनल शिवसैनिक हम है क्योंकि हमें धनुष बाण का चुनाव चिन्ह मिला, तो इस बारे में आपकी क्या राय? वो जो बात कह रहे हैं उसका फैसला जनता उनको सुनाएगी, जनता दिखाएगी और जनता ने बखूबी उसके ऊपर गौर किया है, उन्होंने अपना इरादा पक्का किया है, जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन होगा, मशाल आएगी। तो आपने देखा ये दक्षिण मध्य मुंबई के महाआघाड़ी प्रत्याशी थे अनिल देसाई, जिनका यह कहना है कि इस बार शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है वह स्वयं उभर कर सामने आएगी और कहीं न कहीं कहा जा सकता है जो पुरानी शिवसेना है वो अपनी सीट जो है बरकरार जरूर करेगी और आने वाले समय में यह जरूर पता लग जाएगा कि ओरिजिनल शिवसैनिक कौन है और ओरिजिनल शिवसेना कौन है। मैं मुकेश शाही, टुडे इंडिया न्यूज, मुंबई। MFA Films International present Himratna Award 2024 coming soon, the biggest award show, registration open now, inviting nomination form, social worker, NGO, individual, education, hospital management, health care, sports, fashion and lifestyle, film industry, news and media, apply for award today, call now. Sai Optician, contact lens and computerized eye testing. I care for all types. Call now. Sail Colony Road, Chembur, Mumbai.